हेलो दोस्तों, तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको स्वागत करता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो, ये एक क्राउन कंपनी का CRT टीवी है और इसका कलर प्रॉब्लम है। आप देख सकते हो ओनली ब्लू कलर का ऊपर पिक्चर ओके है, साउंड ओके है। और दोस्तों इसका जो रेड कलर और ग्रीन कलर नहीं है तो ठीक है। तो ये टीवी को मैं बैक कवर ओपन किया है और ये मैं पार्टी के घर पर ही मैं रिपेयर कर रहा हूँ, इसलिए आप देख सकते हो टीवी का पीछे जो मैं बैक कवर ओपन करने का बाद बहुत मिट्टी और धूल आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये काम करने का पहले थोड़ा सा आपको साफ करना पड़ेगा, तो आप मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो बहुत मिट्टी और धूल है। तो एक्चुअली कलर प्रॉब्लम के ऊपर जो वीडियो होते हैं मेरे चैनल पर बहुत कुछ वीडियो है, मैं डिटेल्स वीडियो बना के रखा है कैसे कलर प्रॉब्लम रिपेयर किया जाता है। तो तभी आज इस वीडियो में आपको नॉर्मल सा रिपेयर करने का ट्रिक देखाऊंगा, क्योंकि इस तरह जो प्रॉब्लम होता है तो पार्टी बताया है कि कुछ टाइम बाद ये कभी कभी ओके हो जाता है इसका पिक्चर। तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम होता है एक्चुअली बेस बोर्ड का अंदर जो तीनों कलर ट्रांजिस्टर होता है वो लूज कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, IC से जो RGB आउटपुट होता है वैसे लूज कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है, मैं ये आपको करके देखाऊंगा। इसलिए PCB का जो वायरिंग मैं काम करने के लिए तो थोड़ा सा सब कुछ वायरिंग मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि PCB को उल्टा करके काम करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों एक्चुअली कभी कभी पार्ट्स प्रॉब्लम से भी कलर कभी कभी आता है, कभी कभी जाता है। एक्चुअली जो पार्ट्स होता है RGB का जो ट्रांजिस्टर होता है बेसबोर्ड पर जिस ट्रांजिस्टर दिखा जाता है वो ट्रांजिस्टर से भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट मैं ये PCB का मैं लूज कॉन्टैक्ट मारूंगा, ठीक है, अच्छा करके सोल्डरिंग करूंगा। और सोल्डरिंग करने का साथ बेस का जो तीनों कलर ट्रांजिस्टर है एट ए टाइम तीनों ट्रांजिस्टर को मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। कभी कभी कोई कोई टेक्नीशियन ये करते हैं कि एक ट्रांजिस्टर चेंज करके देखते हैं और उसके बाद और एक ट्रांजिस्टर चेंज करके देखते हैं, लेकिन दोस्तों जब ट्रांजिस्टर चेंज करेगा कलर का ऊपर, ठीक है, जो बेसबोर्ड का जो ट्रांजिस्टर होता है एट ए टाइम आप तीनों ट्रांजिस्टर ही चेंज कर दीजिए, ठीक है। इस तरह आप काम करेगा तो कलर अच्छा होगा और लॉन्ग लास्टिंग करेगा कलर का ट्रांजिस्टर, ठीक है, RGB का जो ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ठीक है, मैं ये PCB को थोड़ा सा अच्छा करके साफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं एक टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप लिंक देख के रखा है। आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप पर आने के बाद आपका अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं कुछ अमेजन एफिलिएट लिंक देख के रखा है, आप अमेजन से कुछ प्रोडक्ट आप खरीद कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ठीक है, आप देख लीजिए ये जो पॉइंट होता है ये से तीनों कलर बेस बोर्ड पर जाता है। तो ये पोजीशन का मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, ठीक है, और ये मैं डाइसल करूँगा, सोल्डरिंग करूँगा अच्छे करके। और PCB को मैं उल्टा किया, आप देख सकते हो उल्टा करने के बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ये साउंड सप्लाई लाइन का कैपेसिटर है 47 mAh 25 volt का। ये मैं चेंज किया क्योंकि ये कैपेसिटर थोड़ा सा फूल गया, इसलिए मैं ये कैपेसिटर चेंज किया। एक्चुअली ये कलर का पार्ट्स नहीं है। और ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ठीक है, अब अच्छा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो तीनों पॉइंट, ये तीनों पॉइंट मेन प्रोसेसर IC से कलर आउटपुट होने के बाद ये जैक पर आता है, ठीक है। और उसका पास ये जो तीनों डायोड देख रहे हो, कभी कभी ये डायोड से प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा सोल्डरिंग काट लिया और उसका बाद आपको जो दिखाऊंगा, आप देख सकते हो ये जो बेस बोर्ड है, बेस बोर्ड का जो तीनों ट्रांजिस्टर मैं ओपन किया अभी, और वीडियो मैं थोड़ा सा काट कर दिया क्योंकि मैं आपको ये छोटा वीडियो में आपको दिखाऊंगा, ठीक है, ये प्रॉब्लम रिपेयर कैसे मैं किया। ये तीनों ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर चेंज करके ये देखिए नया तीनों ट्रांजिस्टर मैं लगाऊंगा, ठीक है। और बेसबोर्ड पर बहुत कुछ ट्रांजिस्टर यूज़ होता है, इसलिए कौन ट्रांजिस्टर यूज़ होगा तो इसका ऊपर मेरे चैनल पर दो वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप फॉलो कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं ये तीनों ट्रांजिस्टर लगाने के बाद आपको एक बार पिक्चर देखे दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं पूरा ही TV को कंप्लीट काट दिया और कंप्लीट करने के बाद आपको एक बार वीडियो प्ले करके देखाऊंगा और TV का ढक्कन मैं सब कुछ टाइट कर देगा, ओके। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैं जब TV पर लाइन दे दिया, इसका जो फर्स्ट ब्लू कलर प्रॉब्लम था वो आउट हो गया और इसका ओरिजिनल कलर यह आ गया, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हो सेटअप बॉक्स में मैं ये लाइन दिया पार्टी के घर पर ही। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस तरह प्रॉब्लम आप आसानी से रिपेयर कर सकते हो। और ये PCB का ये मार्केट चाइना किट है,
इसका पीसीबी का वोल्टेज डिटेल्स आप जानना चाहते हो तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो फॉलो कीजिए, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर में डिटेल्स सब कुछ बताया और दिखाया, ठीक है। तो दोस्तों पार्टी के घर पर मैं रिपेयर किया, इसलिए मैं एक हाथ से कैमरा किया और एक हाथ से मैं एक एक पार्ट आपको दिखाया और उसके बाद रिपेयर करने के बाद आपको ये दिखाता हूँ, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को